कहना चाहूंगा कि आसपास के अंदर 3 मंदिर है, उसके बावजूद इस सरकार ने दमनकर नीति के स्वरूप यहाँ पे लाइसेंस दिया है। यहाँ 2 कोचिंग सेंटर है, 40 से 50 रिहायशी कॉलोनियां हैं और हम 3 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आपके सामने इतनी तादाद मतदान शक्ति यहाँ पे विरोध कर रही है, उसके बावजूद भी सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेख रही है। और हमारा एक ही मांग है, कैसे भी करके हम इस दारू की दुकान को बंद करा के मानेंगे। मुझे ये बताया कि यहाँ पे पुलिस आई थी मौके पे। देखिए, यहाँ पुलिस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो ठेके वाले उनके समर्थन में आ रही है। आज ही हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद इन लोगों ने दारू की दुकान के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और पानी और कांच की बोतलें तोड़ के डाल दी है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जब जनता का विरोध होता है वो किसी भी ऐसी चीजों से रुकने वाला नहीं है। इससे हमें और ज्यादा ताकत मिलेगी और हम और ज्यादा प्रदर्शन विरोध करेंगे। यहाँ कन्नीबिहार थाने की पुलिस आई थी और बड़े भाई भूपेंद्र सिंह पारिक ने उनको इन्फॉर्म भी किया था कि हमारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पे ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, आप हमारा समर्थन कीजिए। उसके बाद ही हमें पुलिस से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। अभी मौके पर हम जिनसे बात कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, जो यहाँ के पार्षद है वार्ड नंबर 53 के। पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी, उसने जवाब कुछ दिया आपको? बिल्कुल, अभी कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। हम पहले दिन से जब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी मौके पर हम जिनसे बात कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, जो यहाँ के पार्षद है वार्ड नंबर 53 के। पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी, उसने जवाब कुछ दिया आपको? बिल्कुल, अभी कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। हम पहले दिन से जब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जब से हम पुलिस को कह रहे हैं कि ये जो अवैध रूप से है, आप इस दुकान को पहले बंद कराइए। हमारा जब तक विरोध चलता है, जब तक ये दुकान बंद होनी चाहिए। पुलिस की तरफ से हमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसा लगे कि पुलिस हमारे साथ है। पुलिस की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला इनको, और मौके पर कोई पुलिस नहीं है जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, चारों तरफ मैंने देख लिया है, कोई पुलिस नहीं है। और बताएं, हमारा ये है कि हम जो सरकार ये मनमानी तरीके से दारू की दुकानें के लाइसेंस दे रही है, और कम से कम हमारी सभ्यता है उसको, जो हिंदू संस्कृति है, जब 2 मीटर की दूरी के अंदर हमारे 3 मंदिर आ रहे हैं, तो हमको सरकार को ये सोचना चाहिए, लोगों की जो धार्मिक भावना है उनके का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जब सरकार के थाना से सरकार हमें सुनवाई नहीं करते हैं, तो जनता के पास एक ही हथियार बचता है, वो आंदोलन। हम आंदोलन करेंगे और जब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये दुकान बंद ना हो। मैं हूँ जितेंद्र चोपड़ा, जनता दरबार न्यूज। धन्यवाद। बताया क्या हो रहा है यहाँ पे? जी, यहाँ पे लीगली खुली नहीं चाहिए दुकान, और इन्होंने ठेका खोला है, और मकान मालिक को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए, वो जेब भरने में लगी है, और आम जनता जो परेशान होगी उसका उनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। यहाँ पास ही में एक मंदिर है, वो रजिस्टर्ड है, ये लोग कहते हैं रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि वो मंदिर गोद दिया हुआ है गुजरात के पुजारी को, और उन्होंने अपने फर्म से इनको रजिस्टर्ड करवाया है, और मंदिर रजिस्टर्ड है उसके बावजूद ये कहते हैं ये लीगल है, लेकिन सरकार सारा अनदेखा कर रही है, आम जनता परेशान हो रही है, उसका इनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, और आम जनता की परेशानी से सरकार को क्या मतलब है? कोई भी परेशान हो, छोटे बच्चे हैं, वो लड़कियां हैं, पास में कोचिंग है, वो भी लड़कियां आती जाती हैं, आज के जो युवा हैं, पता नहीं उनके पेरेंट्स कितना ध्यान रखेंगे।